अच्छा टेस्ट लग रहा है कि नहीं ये बताओ। वाह उत्पल का तो लल्लन टप लगा उत्कर्ष को। अच्छा हाँ बड़ा टेस्ट है। नहीं हेलो फ्रेंड, आज हम लोग राजमा का सब्जी बनाएंगे। इसके लिए मैंने राजमा और आलू को बॉयल कर लिया है और इधर उसकी सब्जी के लिए चार प्याज काट ली हूँ और अभी मसाला रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मसाला के लिए मैंने लिया है ये धनिया, जीरा, एक मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और ये काली मिर्च। अब इसको मैं पीस के रेडी करूँगी और हम बनाएंगे देसी तरीका से राजमा की सब्जी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखिए फ्रेंड, यहाँ हमारा राजमा और आलू अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब इनको बनाने का आगे का प्रोसेस करेंगे। इधर प्याज भी कट करना है। देखिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। देखिए इतना काफ़ी होगा, इतना ठीक है। और अभी थोड़ा सा इसको गर्म होने के लिए देते हैं, जैसे गर्म हो जाएगा। और इधर मैंने प्याज कट कर लिया है, थोड़ी सी अदरक है और इलायची है, दालचीनी है, तेजपत्ता है, ये सब हम लोग डालेंगे। उसके बाद पिसा हुआ मसाला डालेंगे और देसी तरीके से हम लोग बनाएंगे राजमा की सब्जी। देखिए फ्रेंड, तेल गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें डालते हैं ये गोटा, इलायची और दालचीनी, ये सबको डाल दिया, ये तड़क गया। अब इसमें हम लोग डालते हैं थोड़ा सा तेजपत्ता, ये भी हो गया। अब हम लोग डालेंगे इसमें प्याज, इसको थोड़ा अच्छे से भून लेंगे 2-3 मिनट तक, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और पिसा हुआ मसाला, ये सब डाल के हम लोग फ्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, हल्का सा फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। अभी तो राजमा डाली नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा अब मैं इसमें नमक डाली रहूँगी ताकि ये प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हल्दी मसाला ये सब भी डालूंगी। देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम लोग इसमें देसी पिसा हुआ मसाला डालेंगे। देखिए जो हमारे कटोरी में रखा हुआ है इसको भी डाल देंगे, क्योंकि प्याज फ्राई हो चुका है। तो इसमें हल्दी भी डालते हैं, टमाटर डालेंगे फिर। देखिए मैंने यहाँ पर मसाला डाल दिया हूँ और अभी हल्दी भी डाल देती हूँ। और इसमें हम लोग ऊपर से कुछ भी मसाला पाउडर नहीं डालेंगे, बस थोड़ा जब ये मसाला फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा सा चिकन मसाला डाल दूँगी टेस्ट के लिए। अच्छा टेस्ट आ जाता है उसमें। इसमें आप लोग थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हजमे के लिए हींग भी डाल सकते हैं। तो हींग तो हजमे के लिए होता है, लेकिन अमचूर का पाउडर डालने से थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये सब आप लोग डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने अब मसाला को मुझे 5-10 मिनट तक एकदम धीमी आंच में मुझे अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि ये कच्चा पिसा हुआ मसाला है। अगर हम लोग इसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। मेरा मानना है कि मसाला जितनी देर अच्छा से फ्राई होगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा ढक के छोड़ देते हैं और इसका तेल छोड़ने लगेगा, तब हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे। हमारा 3-4 मिनट हो चुका फ्रेंड। अब हम लोग उठा के देखते हैं कढ़ाई को, ये देखिए कितना ही अच्छे से मसाला तेल छोड़ने लगा है। देखिए अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। इधर मैं टमाटर काट के रखी हूँ, देखिए मैं डाल देती हूँ टमाटर को, उसको थोड़ा सॉफ्ट होने दूंगी। इधर मैंने धनिया पत्ता भी रेडी करके रखा है, इसको और हम लोग 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। प्याज प्याज मसाला भुन जाए अच्छे से और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग राजमा डालेंगे। फ्रेंड, राजमा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हाई प्रोटीन से भरपूर है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ 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 ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, चाहे चावल के साथ खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और देसी स्टाइल से बना हुआ राजमा का बात ही अलग है। हम लोग का 3-4 मिनट हो चुका है फ्रेंड। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग का मसाला फ्राई हुआ है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड, हम लोग का मसाला कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर। ये देखिए तेल भी छोड़ चुका है, यानी कि हम लोग का मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं स्वाद के लिए बस थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड कर दूँगी। ऐसे तो ये घर का पिसा हुआ मसाला से भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। ये देखिए ये वाला चिकन मसाला है मेरे पास, तो अब मैं इसको बस थोड़ा सा डालूँगी टेस्ट के लिए। देखिए फ्रेंड, इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी बस टेस्ट के लिए, बस इतना ही। ये भी अच्छे से हो गया है, तो मैं इसमें डालूँगी राजमा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का राजमा और आलू है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये जो पानी है ना राजमा का, इसको भी हम लोग फेंकेंगे नहीं, उसको हम लोग इसी में यूज कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने मसाला के साथ में राजमा और आलू को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। देखिए नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अगर आप लोग को बिना ग्रेवी वाला चाहिए तो आप लोग ऐसे भी सूखा सूखा बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो क्योंकि मेरे बच्चे उत्कर्ष उत्पल को थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए होता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए जो मैं राजमा को बॉयल की थी उसी पानी को डालूंगी ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये राजमा का पानी है फ्रेंड, कोई गंदा पानी नहीं है। तो मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ।
इसको हम लोग 2-3 मिनट अच्छे से बॉयल होने छोड़ देंगे ढक के। उसके बाद हमारा देसी राजमा का सब्जी रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं उसका सिंपल से टेस्ट करवा के आप लोग को बताऊँगी कि कैसा बना है। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देती हूँ। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अच्छा लग रहा है। फिर 2-3 मिनट के लिए मैं इसको ढककर छोड़ देती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा राजमा का सब्जी अच्छे से बॉयल हो चुका है। देखिए, वाह, दिखने में तो बहुत ही सुंदर है और खाने से पता चलेगा कि कैसा टेस्ट है। बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको खा के भी टेस्ट करके बताऊँगी कैसा बना है। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। हमारे राजमे का सब्जी रेडी है। देखिए यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ कटोरी में। इधर मैं कटोरी में निकाल ली हूँ राजमा। तो मैं आप लोग को टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बना है। वाव, सुपर, बहुत टेस्ट, बहुत ही अच्छा है। उत्कर्ष उत्पल को भी टेस्ट करके बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, अब उत्पल टेस्ट कर रहा है। अब ये बताएगा कैसे बना है राजमा की सब्जी। बताओ बेटा, फूक के खाना गर्म है। चलो टेस्ट करके बताओ कैसे बना है। बेचारा बोल भी नहीं पा रहा। हाँ, लल्लन टॉप, बहुत अच्छा लगा आपको। आप रोटी के साथ खाओगे? मैं तो और खाऊंगा। हाँ ठीक है, उत्पल का तो बहुत अच्छा लगा। अब उत्कर्ष का भी रिएक्शन देखेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारा उत्कर्ष उत्पल खाना स्टार्ट कर दिए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि देसी स्टाइल वाला राजमा कैसे बना है। बता बेटा कैसे, पहले दिखाओ सब्जी। हाँ, ये है हम लोग का राजमा का सब्जी, और ये है रोटी, और ये है हमारा उत्कर्ष, और ये है उत्पल। अब बताओ बेटा किसको कैसे लगा राजमा का सब्जी, ये बताओ। वाह, उत्पल का तो लल्लन टॉप लगा, और उत्कर्ष को? अच्छा, आ बड़ा टेस्ट है नहीं। वाह, चलो अच्छे से खाओ। हाँ, पेट भर के खाना, ठीक है।